बात है चौदह अक्टूबर 2012 की जब एक स्काई डाइवर छलांग लगाने लगा था और ये किसी बिल्डिंग से या किसी तैयारे से छलांग नहीं लगा रहा था ये ज़मीन से एक लाख बीस हज़ार फुट की दूरी से छलांग लगा रहा था और मकसद था सुपरसोनिक स्पीड अचीव करना और ज़मीन की तरफ आना ये एक्सपेरिमेंट कोई नासा या स्पेस एक्स की जानब से नहीं हुआ था ये एक्सपेरिमेंट था रेड बुल की जानब से रेड बुल एक ऐसी कंपनी जिसकी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स आप हमेशा ही टीवी पर या यूट्यूब पर देखते रहते हैं ऐसे यूनिक आइडियाज में स्पोर्ट्स करते हैं जिनका आज तक किसी को ख्याल ही ना आया हो छलांग लगानी हो माउंट एवरेस्ट से और फ्लाई करना हो एक परिंदे की तरह किसी जहाज को टनल के अंदर से उड़ाना हो स्नो बोर्डिंग करनी हो या वॉल कैनस के ऊपर से गुजरना हो स्केटिंग करनी हो स्नो में या बाइसिकल फास्ट चलानी हो या मोटर स्पोर्ट्स हो डेंजरस रोड ड्राइविंग करनी हो या फार्मूला वन की रेस हो मार्केट प्लेस में आपको मिलेगा स्पॉन्सर रेड बुल ही या आपको महसूस होगी कि ये रेड बुल ही करवा रहा है दुनिया का नंबर वन एनर्जी ड्रिंक 90 बिलियन डॉलर की सेल के साथ 2021 में अलोन रेड बुल ने ही एट बिलियन से भी ज्यादा कैन की सेल की थी एक कंट्रीज में जब कभी भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का नाम आता है रेडबुल उसके साथ एसोसिएट होता है लेकिन इसका आगाज इस तरह का नहीं था और बहुत ही ज़्यादा हम्बल था आज हम देखेंगे कि रेडबुल कैसे पिछले पचहत्तर सालों में बन गई दुनिया की नंबर वन एनर्जी ड्रिंक और क्या वाकई इसको पीने से लग जाते हैं आपको पर क्या ऐसा वाकई हकीकत में है 1956 में एक डक फार्मर था और थाईलैंड के छोटे से गांव में रहता था उसने एक अपनी छोटी सी मेहनत करके कुछ पैसे जमा करके टीसी फार्मास्यूटिकल के नाम से एक कंपनी बनाई और 10 साल तक उसी को ही चलाता रहा उसी इंडस्ट्री में उसने एक ऐसा टॉनिक बनाया जो कि एनर्जी देता था ब्लू कलर वर्किंग मैन को और ब्लू कलर वर्किंग मैन में कौन आते हैं फिजिकल काम करने वाले लेबर जी हाँ क्योंकि काम करके उनको चाहिए होती है कोई ऐसी एनर्जी ये एक ऐसा फार्मूला था जिसमें कैफीन बहुत ज़्यादा थी और वटामिन इंक्लूड थे और शुगर भी इंस्टेंट ग्लूकोज देती है इसीलिए एनर्जी फील होती है और एनर्जी बूस्ट होती है उस किसान ने इसका नाम बाउल रखा था और बफेलो था इसका लोगो स्टार्ट में सैंपलिंग के तौर पे उसने ट्रक ड्राइवर्स को अपनी प्रोडक्ट टेस्ट करवाई और टेंट वो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से तमाम की तमाम इसकी एनर्जी ड्रिंक बिकने लग गए और थाईलैंड की तमाम वर्किंग क्लास इसको लेने लगी क्योंकि हर किसी को ही पीने के बाद एनर्जी बूस्ट महसूस होती थी और उस जमाने के एनर्जी ड्रिंक काफी हद तक नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक की तरह ही काम करते का ड्रिंक थाईलैंड में तो मशहूर हो ही चुका था लेकिन इसको असल बूस्ट दुनिया भर में दिया ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन डाइट बिजनेसमैन एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी में काम करते थे और इनका सफर होता था मुख्तलि मुल्कों के दरमियान एक दिन यूरोप से थाईलैंड वो इंतहाई थका देने वाले सफर की वजह से किसी दुकान पर गए और वहां पर उन्होंने कोई ड्रिंक मांगा जिस जिस पर इनको दुकानदार ने चेस्टलाज एनर्जी ड्रिंक दिया और उसको पीने के बाद ही उनको सही एनर्जी और बूस्ट मिल गया जिसके बाद इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और पांच लाख डॉलर इन दोनों ने मिलकर इस बिजनेस में डालने का सोचा जिसमें प्रोडक्शन देख रहे थे चेस्लाज और डेक्ट्रिज ने प्लान किया कि इसको लेके जाएंगे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट यूरोप की मार्केट का इनिशियल बिल्कुल भी इनकरेजिंग नहीं था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा और अनहेल्दी फील होता था और ये किसी भी तरह से अपीलिंग नहीं था लेकिन इन्होंने कुछ मार्केटर हायर किए जिन्होंने इनके ब्रांड की कुछ नई टेक्निक्स बताई स्पेशली ये केन प्रोडक्ट था इसीलिए कार्बोनेटेड ड्रिंक सेम प्राइस में नहीं बेचा जा सकता था इन्होंने उसको कर दिया प्रीमियम प्राइस में ये एक बहुत बड़ा रिस्की मूव था

टोटली लॉस में ही थे क्योंकि इनके पास मज़ीद पैसे नहीं थे किसी भी तरह के टी वी एडवर्टाइजमेंट या बड़े पैमाने पर मार्केटिंग के लिए लेकिन पहले साल में एक मिलियन केन ये फिर भी बेचने में कामयाब हो गए और फाइनेंशियली इन्होंने लॉस ही किया लेकिन दूसरे साल यही वन मिलियन केन तीसरे साल में बन गए चार मिलियन केन और प्रॉफिटेबल हो गई फॉरन ही कंपनी इसके बाद यूरोप और बहुत सारे और यूरोपियन कंट्रीज के अलावा जर्मनी फ्रांस में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को लेके चलने का आइडिया भी यहीं से आया जब एक क्लिफ क्लिफ्टाइवर को कोई भी कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही थी और रेड बुल्ले से स्पॉन्सर किया जिसके बाद यहाँ से उसको एक यूनिक आइडिया मिला कि क्यों ना अपनी प्रोडक्ट को उन तमाम स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट किया जाए जो कि एक्सट्रीम लेवल की होती है और जिससे मिलती है सही लेवल की एनर्जी एक दफ़ा इंटरव्यू में मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में पूछा गया तो उनका यही कहना था कि हमारा प्रिंसिपल कभी भी प्रोडक्ट नहीं होता लेकिन हम तो ब्रांड के साथ जो एक्सपीरियंस शानदार किस्म का मिलता है जिसको मिलके एक एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन मिलती है हम तो उसको बूस्ट करेंगे और उसी की ही मार्केटिंग करते हैं आज रेडबुल का 80% से भी ज़्यादा का शेयर है तमाम एनर्जी ड्रिंक्स की कैटेगरी में लेकिन कभी भी कंट्रोवर्सी के बगैर कैसे चल सकती है कोई एनर्जी ड्रिंक जैसा कि 2009 में इस पे पाबंदी लगा दी गई जर्मनी में क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कोकेन पाई गई थी लेकिन ये इतनी माइनर थी कि इसको निगलेक्ट किया जा सकता था इसी तरह फ्रांस में एक बहुत फेमस वाक्य हुआ जब एक टीन एजर की डेथ हो गई एक मैच के दौरान क्योंकि वो मैच देखते हुए बुल रेडबुल के कैन पी चुका था लेकिन किसी तरह भी ये बात साबित नहीं हो सकी कि रेडबुल की वजह से ही हुई थी उसके वजह से फ्रांस में काफी अरसा इस पे पाबंदी रही

और इतनी ही शेयर करते थे ऑस्ट्रेलियन उनके पार्टनर डेटरिच ये दोनों पार्टनर ही इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए हैं क्योंकि इसके अलावा इन्होंने कोई भी इस कंपनी को पब्लिसाइज नहीं किया और तमाम प्रॉफिट्स और इन्वेस्ट किए गए इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ही रेडबुल हमें बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी सिखाता है और बहुत सारे लेसन के अलावा दो मेन लेसन सीखने की जरूरत है कि हमें कभी भी कोई नई चीज ईजाद करने की जरूरत नहीं है लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही हम न्यू ऑडियंस और न्यू मार्केट और डिफरेंट तरीके से ही मार्केट करके अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं और इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं नंबर टू चीप मैनुफैक्चरिंग करके और बेहतरीन किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर इन्वेस्ट करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं आई होप कि आपको आज के रेडबुल की हिस्ट्री से बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा स्टेट विद अस। थैंक यू